हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और आज का यह नया वीडियो फिर से आपके लिए यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि 2024 में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स में एडमिशन होगा। मतलब ये वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है, उनके लिए स्पेशल है जो स्टूडेंट क्लास 12th पास है या फिर एडमिशन लेने के लिए तलाश कर रहे हैं एक अच्छे यूनिवर्सिटी के लिए। तो तलाश करते करते, सर्च करते करते, गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, और सर्च करने के टाइम में या किसी के और से आपको पता चला कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स में एडमिशन होता है। और आज का यह वीडियो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए है, मतलब यूजी कोर्सेस के लिए है। मतलब यदि आप क्लास 12th कंप्लीटेड है, यदि आपका क्लास 12th कंप्लीट हो चुका है और आप चाहते हैं बीएम एडमिशन लेना, बीएससी में लेना, बीकॉम में लेना, या फिर आप चाहते हैं बीबीए में लेना, बीसीए में लेना, या आपके मन में कंफ्यूजन है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स कराया जाता है, कौन कौन से कोर्स पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ उसमें एडमिशन लेने का 2024 में प्रोसेस क्या होगा, तो सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइज, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिलते रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिएगा, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं बेसिक अगर थोड़ी बहुत बात बताऊं तो बेसिक बात ये समझ लीजिए कि जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है ये एक स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है, मतलब बिहार सरकार की यूनिवर्सिटी है। मतलब अभी आप जान रहे हैं कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा अच्छे कंडीशन में है। मतलब लगातार हर चीज ऑन द टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, सब चीज को एक टाइमिंग के साथ बांध दिया गया है। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी टाइमिंग के मामले में एक नंबर यूनिवर्सिटी है। मतलब कहने का, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पहली बात स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी है। अगर मैं पॉइंट आउट अगर मैं आपको करूं, अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते चलूं, यानी अगर मैं चीजों को अगर मैं शॉर्ट नोट्स करते चलूं क्या क्या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बारे में स्पेशल चीजें हैं, अगर ये मैं आपको बताऊं तो पहली बात जान लीजिए, जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है ये यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी है, मतलब बिहार की अपनी यूनिवर्सिटी है। दूसरी अगर बात करें तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी भी हाल के टाइम में बनी है। कब बनी है? मार्च 2018 में, यानी नई नई यूनिवर्सिटी है। तो ज्यादा कोई पुराना यूनिवर्सिटी नहीं है कि पुराने पैटर्न पे चलेगी, नई यूनिवर्सिटी है, नए पैटर्न पे चलती है। यूनिवर्सिटी एडवांस है, मतलब सब कुछ काम ऑनलाइन होता है, तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता है, आपको दौड़ धूप ज्यादा करना नहीं पड़ता है। तो यूनिवर्सिटी एडवांस है। और इस बार यूनिवर्सिटी में यूजी के लगभग सारे कोर्सेस होते हैं। मतलब अगर आप क्लास 12th कंप्लीट है और आप तलाश कर रहे हैं एक अच्छे यूनिवर्सिटी के लिए, तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी आपके लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और आप अपने सीनियर बड़े भाई बहन, या फिर आप यूट्यूब से पता कर लीजिए, या गूगल से पता कर लीजिए, किसी भी जरिए से आप पता कर लीजिए, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म से पता कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी क्या है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। अब इस अच्छी यूनिवर्सिटी में, इस यूनिवर्सिटी में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जो कि पटना में सिचुएटेड है, और ये यूनिवर्सिटी कैंपस है कहाँ? राजेंद्र नगर कंकड़बाग के पास। अब इस यूनिवर्सिटी में इस बार यानी 2024 में कौन कौन से कोर्स में एडमिशन होगा, एडमिशन का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा और एडमिशन मिलेगा कैसे, अब ये तीन बातें आपको बताने के लिए रह गई। सबसे पहले बात, चूंकि मैं आपको स्टार्टिंग नहीं बता दिया हूँ कि ये वीडियो स्पेशली है किनके लिए, यूजी कोर्सेज के लिए, मतलब कहने का अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। मतलब अगर मैं आपको इसको सिंपल करूं तो ये जो वीडियो है ये है किसके लिए? यूजी के कोर्सेज के लिए। यानी अगर आपका यूजी कोर्सेज में अगर एडमिशन लेने का अगर आपका चॉइस है, मतलब अगर आप चाहते हैं यूजी के कोर्सेज में एडमिशन लेना, यूजी कोर्सेज करने का मतलब बीए के कोर्स में, बीएससी के कोर्स में, बीकॉम के कोर्स में, ये आते हैं रेगुलर कोर्सेज में, याद रखिएगा ये आते हैं रेगुलर कोर्स में। रेगुलर कोर्स का मतलब क्या होता है कि जिसको आप क्लास करके लेते हैं, जिसमें आपका पैसा कम खर्च होता है, जिसमें सरकार क्या करती है, सरकार टीचर को पेमेंट करती है। शॉर्ट बात ये समझिए, रेगुलर कोर्स का मतलब है जिसमें सरकार टीचर का पेमेंट करती है, मतलब आपसे ज्यादा पैसा नहीं लिया जाता है, आपके पैसे को टीचर ये सबको पेमेंट नहीं दिया जाता है, सरकार पैसा देती है, ऐसे कोर्सेज को हम लोग रेगुलर कोर्स करते हैं। बस इसमें स्टूडेंट का पैसा किसमें खर्च होता है? एडमिशन लेने में। ट्यूशन फी आपको नहीं लगता है, मतलब हर महीने का आपको पैसा नहीं लगता है, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ऐसे कोर्सेज को हम लोग कहते हैं रेगुलर कोर्सेज। साथ ही साथ इस यूनिवर्सिटी में कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी होते हैं, और वोकेशनल कोर्सेज में क्या क्या होते हैं, जैसे इस यूनिवर्सिटी में होता है बीबीएम, इसी यूनिवर्सिटी में होता है बीसीए, इसी यूनिवर्सिटी में होता है बीएससी आईटी, इस तरीके के कई सारे कोर्सेस है। साथ में होता है बैचलर इन वाटर एंड मैनेजमेंट, इस टाइप के कई सारे कोर्सेस है।
अब ये सारे कोर्सेस में एडमिशन इस बार भी होगा, 2024 में भी होगा। अगर यहाँ थोड़ी सी बात कर ले कि वोकेशनल कोर्स क्या होता है, तो इसका मतलब है कि टीचर का पैसा आपके फी लेकर के दिया जाता है, यानी टीचर को पैसा आपके फी यानी आपसे पैसा लेकर के क्या किया जाता है, दिया जाता है। मतलब ऐसे कोर्सेस का जो चार्ज होता है वो ज्यादा है। कैसे समझ सकते हैं इस तरीके से, मतलब कहने का कि इसमें एडमिशन का चार्ज भी ज्यादा लगता है और इसमें पैसा पढ़ने का आपको दिया जाता है। इसीलिए इस कोर्स का नाम, दूसरा नाम क्या होता है, सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स, मतलब आप खुद से पैसा दे करके पढ़ते हैं। जैसे बीसीए का एडमिशन चार्ज आप कंपेयर कीजिए, बीसीए का जो एडमिशन चार्ज है वो एक साल पे यानी एक ईयर में बीसीए का एडमिशन चार्ज का पैसा लगता है 16,000। 16,000 इसी में सारा खर्चा है, इसी में है आप एडमिशन का पैसा, इसमें है जो टीचर को आप ही के पैसा से दिया जाएगा। तो इसलिए ये कोर्स को कहा गया है सेल्फ फाइनेंसिंग। उसी के कंपेयर में अगर आप बीएससी को देखिएगा तो बीएससी का एडमिशन चार्ज क्या होता है, 2,205 रुपया जनरली होता है, और अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो तो 2,700 रुपया होता है। अब आप देख लीजिए इस फी और इस फी में कितना आसमान जमीन का अंतर है। तो ये आसमान जमीन का अंतर क्यों है, क्योंकि बीए बीएससी बीकॉम आते हैं रेगुलर कोर्स, और बीबीए बीसीए ये सारे कोर्सेस आते हैं वोकेशनल कोर्स में। तो अब सवाल आता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में इस बार कौन कौन से कोर्स में एडमिशन होने वाला है, तो चलिए इसकी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इस बार यानी 2024 में जितने भी सारे स्टूडेंट क्लास 12th कंप्लीट करेंगे, और अगर आप बिहार के एक अच्छे स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं तो आपके लिए वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर इसके बारे में बात करें तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी तो अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपको पता चल गया। अब कौन कौन से कोर्स होते हैं, तो यहाँ कोर्स होता है बीए का। तो बीए में कौन कौन सा कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो बीए में इंग्लिश में बीए, हिंदी में बीए, संस्कृत में बीए, मैथिली में, उर्दू में, पाली में, मगही में, बंगला में, पर्शियन में, प्रकृत में, फिलोसफी में, म्यूजिक में। यानी अगर आप बीए का कोर्स करना चाहते हैं तो इतने सारे लैंग्वेज और लिटरेचर के सब्जेक्ट में कर सकते हैं, यानी इतने सारे ह्यूमैनिटीज के पेपर में कर सकते हैं। अगर और मैं एडिशनल बात बताऊं तो इस बार का जो ग्रेजुएशन सिस्टम है, 4 साल का ग्रेजुएशन सिस्टम होगा, यानी पहले ग्रेजुएशन 3 साल में होता था लेकिन अब ग्रेजुएशन बिहार में 4 साल में हो रहा है, तो 4 साल का ग्रेजुएशन है। अगर और मैं कुछ नया बात बताऊं तो इसमें सेमेस्टर वाइज सिस्टम है, यानी हर 6 महीने पे आपका क्लास चेंज होगा। मतलब पहला आप पढ़िएगा, जब एडमिशन लीजिएगा तो सेमेस्टर 1 में रहिएगा, फिर दूसरे में सेमेस्टर 2 में चले जाइएगा, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में, फिर 6 में, फिर 7 में, और फिर 8 में। टोटल 8 बार में पूरा का पूरा ग्रेजुएशन खत्म होता है। तो 8 सेमेस्टर है मतलब 4 साल है, लेकिन ये 4 साल का ग्रेजुएशन वो करना अच्छा होता है, उनके लिए अच्छा होता है जिनको पढ़ाई में करियर बनाना है, यानी जिनको टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, रिसर्च करना है, उनके लिए। और अगर आप चाहते हैं जनरल कॉम्पिटिशन करें ये सब, तो बस आप 3 साल पढ़ करके क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, मतलब 6ठे सेमेस्टर के बाद आप पढ़ाई को छोड़ सकते हैं। तो यहां तक आपने समझा कौन कौन से लैंग्वेज लिटरेचर का पेपर होता है पाटलिपुत्र में। अगर नेक्स्ट में बात करूं तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्सेस सोशल साइंसेस वीक के भी होते हैं, मतलब सोशल साइंस के होते हैं। कौन कौन से कोर्सेस है सोशल साइंस का, चलिए देखते हैं। तो सोशल साइंस के केस में इसमें जो सब्जेक्ट है, यानी बी ए आप हिस्ट्री से कर सकते हैं, पोल साइंस से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, सोशियोलॉजी से, एंशियंट हिस्ट्री से, साइकोलॉजी से, और रूरल इकोनॉमिक्स से, यानी इतने सारे पेपर्स में भी आप क्या कर सकते हैं, अपना बीए का कोर्स कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहां से यहां तक सब बीए का पेपर के बारे में आपको बताया। अब कुछ पेपर हैं जो कि क्या है, बीएससी के पेपर है। तो चलिए बीएससी के पेपर्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से बीएससी के कोर्स आप कर सकते हैं। तो बीएससी आप फिजिक्स से कर सकते हैं, केमिस्ट्री से कर सकते हैं, मैथमेटिक्स से, बॉटनी से, जूलॉजी से, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं कि कॉमर्स के फील्ड में कौन कौन से कोर्सेस की यहाँ पे पढ़ाई होती है, तो अगर मैं कॉमर्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे बीकॉम का कोर्स होता है अकाउंट में और कॉर्पोरेट अकाउंट में। यानी बीकॉम के 2 वेराइटीज है, एक तो बीकॉम अकाउंट्स में और एक बीकॉम किसमें होता है, कॉर्पोरेट अकाउंट्स में। नेक्स्ट अगर बात करें तो कुछ और भी अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम है, तो यहाँ से आप बीए या आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यूजी का कोर्स कर सकते हैं, यानी बीएससी कर सकते हैं डेंटल में, बी फार्मा कर सकते हैं, साथ में बीएड कर सकते हैं और बीटेक कर सकते हैं। यानी ये सारे कोर्सेज भी अवेलेबल पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से है। हालांकि भी बीटेक की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन बीएड की फैसिलिटी है, बी फार्मा की और बी डेंटल की भी है। तो इस तरीके से इतने सारे कोर्सेस यूजी कोर्सेस है, इतने सारे कोर्सेस रेगुलर मोड में होते हैं। अगर वही बात करें वोकेशनल कोर्सेस के बारे में, तो अभी मैंने आपको मतलब समझाया था कि वोकेशनल कोर्स का मतलब क्या होता है, वैसे कोर्स
जिसके लिए ज्यादा पैसा लगता है, जिसके लिए आप खुद से पैसा दे करके पढ़ते हैं और आप ही के पैसे से टीचर का पेमेंट होता है। क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल समझाया था कि एक स्टूडेंट से 16,000 लग रहा है, इस तरीके से क्लास में लगभग मान लेते हैं 60 बच्चे का क्लास है, तो एडमिशन का पैसा रख लिया गया, बाकी से इस पैसे से टीचर को पेमेंट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि वोकेशनल कोर्सेज में कौन कौन सा कोर्स इस बार अवेलेबल रहेगा 2024 के लिए। तो अगर मैं 2024 के लिए बात करूं तो इसमें रहने वाला है आपका बीबीएम। अगर मैं कोर्सेज के बारे में बात करूं तो इसमें रहने वाला है क्या, बीबीएम। इसमें बीबीएम रहेगा, बीएससी आईटी से आप कर सकते हैं, बीसीए आप कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, ब्लीस कर सकते हैं ये, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, सिलेबस किसमें है, वाटर एंड मैनेजमेंट में भी आप कर सकते हैं, यानी आप अपना बीएससी कर सकते हैं वाटर एंड मैनेजमेंट में भी। तो टोटल कोर्स कितना हो गया, एक तो अपना बीबीएम, दूसरा बीएससी आईटी, तीसरा बीसीए, चौथा बायोटेक्नोलॉजी, पांचवा ब्लीस, छठा आप क्या कर सकते हैं, बैचलर इन वाटर साइंस, बैचलर इन एनवायरमेंटल एंड वाटर मैनेजमेंट में। तो इस तरीके से इतने सारे कोर्सेस हैं जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका चॉइस है ये सारे कोर्सेस का। तो अब बात कर लेते हैं कि ये सारे कोर्सेस में जो एडमिशन का जो प्रोसेस है ये कब से स्टार्ट होगा इस बार पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, ये अब जानना जरूरी है आपके लिए है। तो बात करते हैं आपके कब से प्रोसेस स्टार्ट होंगे और क्या प्रोसेस होगा। सोचिए जान लेते हैं कि अब जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में इस बार 2024 में एडमिशन होगा वो कौन कौन से कोर्सेस में होगा, यहां तक तो मैंने आपको बताया। अब जरूरी है कब से यह प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो देखिए पूरी एडमिशन की जो प्रोसेस है ये पूरी प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी 2 मई 2024 से, यानी अब आपको इंतजार करना है 2 मई का। जैसे ही 2 मई होगा फिर क्या होगा, ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो जाएगा, अप्लाई करने के बाद में फिर क्या करना है इसको समझिए। यहाँ मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट बता दिया कब से स्टार्ट होगा, 2 मई से स्टार्ट होगा, और जो पूरा प्रोसेस है ये 30 जून तक खत्म भी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब लगभग 2 महीने का पूरा प्रोसेस चलेगा एडमिशन का, और तब जाकर के पूरा एडमिशन क्या होगा, खत्म होगा। अब जरूरी कुछ यहाँ पे चीजें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, क्या है चीजें समझिए। इस बार का एडमिशन प्रोसेस, अभी तक आपने इंपॉर्टेंट डेट समझा और भी कई सारे चीजों को समझा, अब समझिए एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि इस बार प्रोसेस क्या है। देखिए तो मैंने आपको बताया कि यूजी यानी ग्रेजुएशन के दो वैरायटी के कोर्स है, एक तो रेगुलर वैरायटी है और दूसरा कौन सा वैरायटी है, वोकेशनल वैरायटी है। रेगुलर वैरायटी क्या होता है, वोकेशनल वैरायटी क्या होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया। अब ये सारे कोर्सेस में एडमिशन इस बार 2024 में एक टेस्ट के जरिए से होगा जिसका नाम है सीएईटी। CAET का मतलब होता है कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट 2024। थोड़ी सी इसके पीछे की हिस्ट्री को सुन लीजिए ताकि आपको समझने में अच्छा लगे। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है, यानी इस यूनिवर्सिटी की मालिक कौन है, गवर्नर साहब, यानी बिहार के राज्यपाल साहब। 2023 में हुआ क्या कि 2023 में गवर्नर साहब ने अच्छी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, यानी बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है इसको ठीक ठाक करने के लिए उन्होंने एक पॉलिसी लाया, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाया, और उसी ऑर्डिनेंस का एक पार्ट था कि बिहार में 2024 से जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज है सारे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस का टेस्ट देना होगा, और जिस टेस्ट को देना होगा उसका नाम था CAET, यानी कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट। तो यहां तक से आपने समझा कि इस बार जो एडमिशन का प्रोसेस है वो किसके थ्रू है, सीएईटी के थ्रू है। सीएईटी को कौन लाए, तो बिहार के गवर्नर साहब सीएईटी को लाए हैं, और इसी सीएईटी के जरिए से इस बार पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में क्या होगा, एडमिशन होगा। सीएईटी को लेकर के भी दो चीजें यहाँ पे कहना क्लियर नहीं होगा, एक तो है कि हो सकता है सीएईटी अकेले पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी अपने लिए ले, या हो सकता है सीएईटी पूरे बिहार लेवल पे ले। अगर पूरे बिहार लेवल पे सीएईटी होगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा होगा, और अगर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से लेती है तो थोड़ा सा कंपटीशन का लेवल कम होगा। ये दो चीजें यहाँ पे है, जो दो चीजों को मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। अब सीएईटी के बारे में थोड़ा सा और बात जान लेते हैं। ये तो कन्फर्म है कि सीएईटी होगा, सीएईटी हो सकता है पाटलिपुत्र ले तो अपने यहाँ जितना भी उसका कॉलेज है उसके लिए लेगा, और अगर पूरे बिहार लेवल पे होगा तो फिर गवर्नर साहब का सिस्टम पूरे बिहार लेवल पे लेगा। अब सीएईटी के बारे में तेज गति से जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं क्या क्या है। तो सीएईटी क्या है, एक प्रकार का टेस्ट है। इस टेस्ट को आप क्यों देते हैं, एडमिशन लेने के लिए देते हैं। इस टेस्ट में होगा क्या, तो इस टेस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा।
क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, एमसीक्यू टाइप का। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना टाइम आपको देगा, 2 घंटे का टाइम देगा। साथ ही साथ और भी कुछ बात है, निगेटिव मार्किंग का सिस्टम नहीं होगा, इसके लिए फ्री रहिए, यानी नो निगेटिव मार्किंग स्कीम रहेगा, यानी कि नो निगेटिव मार्किंग स्कीम रहेगा आपके साथ। ये समझ लीजिए आपके लिए ऑफर है, यानी गलत भी मारिएगा तो नंबर नहीं कटेगा, बस जो नंबर है वो तो चला ही जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा जो नंबर होता है काटने का सिस्टम वो नहीं होगा। आगे क्या है, सीएईटी कैसा होता है। सीएईटी एक प्रकार का क्या है, टेस्ट है, यहां तक मैंने आपको बताया। इस सीएईटी में 4 पार्ट होगा, सीएईटी के टेस्ट में 4 पार्ट होगा, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का होता है, यानी 100 क्वेश्चन होता है, और 100 क्वेश्चन 4 अलग अलग सेक्शन से पूछे जाते हैं। क्या क्या सेक्शन से पूछा जाता है, एक तो कॉमन चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन पेपर। तो कॉमन पेपर में आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। ये 40 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से रहेगा, जीके से रहेगा, जीएस से रहेगा, कहाँ से रहेगा, जनरल मैथ से रहेगा, जनरल रीजनिंग से रहेगा। इस तरीके से लगभग 3-4 चीजों को मिला करके एक कॉमन पेपर बनता है। साथ ही साथ क्या होता है, साथ ही साथ कुछ और एडिशनल है, एक आपका क्या रहेगा, जो बी पेपर है ये साइंस वाला का रहेगा, मतलब जो 12th में साइंस पढ़ा है वो साइंस का आंसर करेगा। इसके साथ ही क्या रहेगा, ये कॉमर्स का रहेगा, तो जिसने 12th में कॉमर्स पढ़ा है वो कॉमर्स का आंसर करेगा। और ये रहेगा आर्ट्स वाला का, जो आर्ट्स पढ़ा है वो। तो यहाँ क्या हो गया कि ये जो पूरा क्वेश्चन है ये 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन होगा आपका कॉमन पेपर का, यानी कॉमन कॉमन चीज पूछा जाएगा, और बाकी जो 60 क्वेश्चन है ये इलेक्टिव होगा, मतलब आपके मन पर है, जो मन करे उसका आंसर कीजिए। कहने का मतलब चाहे 60 साइंस वाला आंसर कर दीजिए, चाहे 60 कॉमर्स वाला कर दीजिए, चाहे 60 आर्ट्स वाला कर दीजिए, लेकिन सिस्टम कहता है कि जो आप क्लास 12th में पढ़े हैं उसी का आंसर कीजिए। तो अब यहाँ से सबसे बड़ी चैलेंज आती है कि जो पूरी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन प्रोसेस है ये कंप्लीट होती है सीएईटी से, यानी कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट से। तो अब आपको जरूरत है कि सीएईटी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जानना, सीएईटी का एग्जाम पैटर्न क्या है, सीएईटी में पूछा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जाता है, और उसकी अच्छे से तैयारी करना, ताकि आपका क्या हो सके, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जैसे टॉप यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज, एयर कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, बीडी कॉलेज, जेडी वुमेन्स कॉलेज जैसे में आपका एडमिशन हो सके। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाइए सीआईटी का, और सीआईटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। हालांकि सीआईटी के तैयारी के लिए हमारे साथ कोर्सेज को भी लॉन्च किया गया, हमने अपने चैनल पे कोर्सेज को भी लॉन्च किया है, तो आप सीआईटी की से जुड़ी जानकारियों को आप प्राप्त कर सकते हैं, कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। बाकी सीआईटी से रिलेटेड और भी 3-4-5 वीडियोज आपको देखने की जरूरत है, ताकि सीआईटी का जो पूरा जो मैटर है आप उसको समझ सके। और सीआईटी से रिलेटेड जितनी सारे वीडियोज है वो सारे वीडियोस के लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आप उसे देखिएगा, आपको सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारे कोर्सेज के बारे में समझा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको कोर्सेज में अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो कोर्सेज के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट के सारे डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। या फिर आप फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आप हमारे गूगल के प्ले स्टोर पे जाकर के की ऑफ सक्सेस नाम से ऐप सर्च कीजिएगा, आपको सर्च में ऐप मिल जाएगा, आप ऐप को डाउनलोड करके फर्दर आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या फिर और उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी को पा भी सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करेंगे, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, सो मच, थैंक यू।